तब एक धर्म के कानून के पढ़ल वाला उठ के पूछिस, मास्टर जी, हरदम परमेश्वर के साथ रहे खातिन हमें का करे के चाही? उ ई बात पूछिस जाने खातिन कि यीशु कैसे पढ़ावत रहा, उमांगत रहा ओके बात पर फसावे। तब उ बोलिस, कानून में एकरे विषय में कैसे लिखल है, तू लोग कौन रकम से पढ़े है? तब पढ़ल वाला बोलिस, तो के चाही प्रभु परमेश्वर के दिल भर तन मन और सब शक्ति से प्यार करे के और आपन चिन्हार के अपने घर चाहे के। तब उ बोलिस, तू ठीक बोलले है, जब ई चीज करिए तब तू हरदम परमेश्वर के संगे रहिए। बकी आदमी मांगत रहा अपने के बचावे और पूछिस कि हमार चिन्हार के है। तब उ एक मतलब के कहानी से जवाब दीस, बोलिस, एगो आदमी रहा, उ यरूशलेम से यरीको शहर जात रहा, तब अचक्के में डाकू लोग ओके घेर के और ओकर सब चीज छीन के ओके खूब मारिस। तब जब आदमी अधमरा हो गयल तब सभन ओके छोड़ के भाग गयल। इतने में एगो इसराइल के धर्म के अगुआ वही रास्ता पर से जात रहा। जब वो नगीचे आयल और आदमी के देखीस तब एकुआ कैद से पास हो गयल। तब एगो लवी के कुल के आदमी भी पास भयल और जब उ बेचारा के देखीस तब ओहू एकुआ कैद से पास हो गयल। एकरे बाद एगो समारिया देश के आदमी पास भयल और जब उ अधमरा आदमी के देखीस तब ओके बहुत दया लगल। बस उ ओकर पास गयल, ओकर घाव विन से सफा करीस और तेल लगाए के बांध देस। तब ओके उठाए के आपन गधा पर एक घर में ले गयल जहाँ उ एक रात काटीस। वहाँ पर उ ओके देखभाल करत रहा। बिहान भयले उ दुई चानी के पैसा घर के बड़कुआ के देस और बोलीस, तू ओके सेवा करी है और जब औरो पैसा लगी तब जब हम लौटब तब हम तोके भरब। और यीशु पूछिस, तू का सोचे है, ई तीनों में से के ओकर चिन्हार रहा? तब पढ़ल वाला आदमी बोलिस, जौन ओकर सेवा सत्कार करिस है। तब उ बोलिस, अच्छा जा और तू ऐसने करी है,